शिवराज पर पथराव मामले में राजनीति तेज हो गई है। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं को धमकी दी है। कांग्रेस के नेताओं पर हमला करने में सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिनट लगेंगे, ये कहना है बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का अभिलाष पांडे का। बयान सामने आया है कि पांडे ने कहा है कि चाहे अजय सिंह हो, कमलनाथ हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या उनके खुद के नेता राहुल गांधी हो, मुझे उन पर हमला करने में सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिनट का समय नहीं लगेगा। हमारे पास प्रदेश में 37 लाख युवा कार्यकर्ता हैं और हमें किसी पर भी हमला करने में ज्यादा समय नहीं लगता। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की रथ यात्रा पर हुए पथराव के विरोध में बीजेपी ने मंगलवार को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। वहीं राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर सांसद आलोक संजर, विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने प्रदर्शन किया। आज हम शिवराज सिंह चौहान जी पर हुए हमले के विरोध पर हैं। मैं युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर मीडिया खड़ी हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे अजय सिंह राहुल हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे उनका खुद का नेता राहुल गांधी हो, मुझे किसी पर भी हमला करने में 2.5 मिनट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।